Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn class 10th new mathematics in textbook and it's chapter number 29 practical geometry circles. अब क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में सर्कल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कि किस तरह से इसे कंस्ट्रक्ट किया जाए और फिर जो इसके मुख्तलिफ हमें टेंजेंट्स और किस तरह से ड्रॉ करे जाते हैं, यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं. तो इसकी एक्सरसाइज है 29.5. अब ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी अगर हम टेंजेंट्स में देखें तो ज़रूर क्वेश्चन इस तरह का जो इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं हर ईयर पूछा गया है, क्योंकि प्रीवियस बुक में भी ये इसी तरह के टॉपिक मौजूद थे. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें कहा जा रहा है के ड्रॉ टू इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर. के हमें टू सर्कल्स ड्रॉ करने हैं जिसके रेडियस बता दिया गया है 3.3 सेंटीमीटर, यानी दोनों सर्कल्स के रेडियस इक्वल हैं. विथ सेंटर्स एट पॉइंट्स ए एंड बी, और पॉइंट ए और बी बता दिया गया है कि सर्कल के सेंटर्स हैं. सच दैट इस तरह से के मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्टेंस है 7.8 सेंटीमीटर का है. जब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, वो 7.8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पर हमने लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करी हुई है. दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, 7.8 सेंटीमीटर. और यही बात हमने गिवे में बताई है कि टू इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस, हमें क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि टू हमने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं जिनके रेडियस क्या हैं 3.3 सेंटीमीटर, दोनों सेम रेडियस के हैं. ठीक है, यहाँ पर अहम बात यह है कि स्टूडेंट्स इसको ध्यान में रखना है कि हम इस क्वेश्चन में इसमें हम क्या सीख रहे हैं कि जबकि सर्कल्स के जो रेडियस हैं वो इक्वल हैं. And centers at points A and B such that measured line segment AB is equal to 7.8 centimeter. Exactly जो हमें क्वेश्चन में बात कही गई है वही हमें यहाँ पर given में लिख दी है. Required क्या है कि to draw अब लिखा हुआ यहाँ पर इसके A part में कि draw direct common tangents to these circles. अब पहले हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं कि what is the tangent. Tangent क्या होता है? Tangent कहते हैं ऐसी लाइन को जो कि सर्कल के एक पॉइंट को टच करे, उसे हम कहते हैं टेंजेंट. अब यहाँ पर कह रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. कॉमन टेंजेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने टू सर्कल्स लेने हैं. टू सर्कल्स हैं तो दोनों से ही एक ही टेंजेंट गुजर रहा हो. सही, हमें यहाँ पर टेंजेंट्स दो ड्रॉ करने होंगे. किस तरह से ड्रॉ करने होंगे हम यहाँ पर सीखेंगे. तो अब यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कॉमन का मतलब ये है के जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन सेगमेंट जो के सर्कल के सेंटर पॉइंट्स ए और बी हैं यहाँ, उसको इंटरसेक्ट ना करें. दोबारा रिपीट करती हूँ, ऐसे टेंजेंट जो सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरसेक्ट ना करे, यानी उसे वो कट ना करे, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. तो अब यही बात यहाँ रिक्वायर्ड में लिखी गई है. अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ. इसमें क्या कहा जा रहा है कि ड्रॉ मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल 7.8 सेंटीमीटर. तो वो हमने लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर ली है 7.8 सेंटीमीटर की. अब इसके बाद हम पॉइंट ए और पॉइंट बी पर ड्रॉ करेंगे सर्कल्स जिनका रेडियस हमें बता दिया गया है कितना है 3.3 सेंटीमीटर. तो लिहाजा हम अपने कंपास को ओपन कर लेंगे 3.3 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन कर लिया. और फिर इसके बाद पॉइंट ए को सेंटर लेंगे और ड्रॉ कर देंगे हम सर्कल. पॉइंट ए पर ड्रॉ कर दिया. अब बिल्कुल इसी तरह से फिर हम पॉइंट बी पर ड्रॉ करेंगे. लिहाजा पॉइंट बी को
सेंटर लेते हुए तो अब ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये रेडियस बता दिया गया है, ये है 3.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी इसका रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, दोनों सेम रेडियस के सर्कल्स हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है, लिखा हुआ है यहाँ पर थर्ड स्टेप में कि ड्रॉ परपेंडिकुलर। अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का जो मेथड होता है ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा हुआ है। एक्सरसाइज ये हमने 29.3 में सीखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब यहाँ पर हम पॉइंट ए को सेंटर लेंगे और इसका ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे आर्क, और जो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसको सेंटर लेंगे और फिर ड्रॉ करेंगे फर्स्ट आर्क। इसी तरह से इस फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे सेकेंड आर्क। ठीक है, हमने क्या करा, स्टार्टिंग जो हमारा पॉइंट है उसको सेंटर लेते हुए फर्स्ट आर्क लगाई, फिर फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए यहाँ से हमने सेकेंड आर्क ड्रॉ कर दी। ठीक, अच्छा अब हमने क्या करना है, दोबारा आएंगे हम इस फर्स्ट आर्क पर और इसको सेंटर लेते हुए यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे अब एक और आर्क। सेकेंड आर्क पर आएंगे, इसको सेंटर लेते हुए जो हमने आर्क लगाई है ऊपर, इसको हम कर देंगे अब इंटरसेक्ट। इसको हमने कर दिया इस तरह से, सेकेंड आर्क को सेंटर लेते हुए इसे हमने इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, प्रीवियस आर्क को, तो इस तरह से हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया है। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट ए से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमने पॉइंट ए पर ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, इसको हम डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर देते हैं, बाहर ले आएंगे सर्कल से। तो ये ड्रॉ हो गया पॉइंट ए पर परपेंडिकुलर। अब इसी तरह से हम पॉइंट बी पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। तो अब हम पॉइंट बी को सेंटर लेते हुए इसी तरह से यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर देंगे आर्क। ठीक है, हमने बी को सेंटर लेते हुए ये हमने आर्क ड्रॉ कर दी। फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे हम फर्स्ट आर्क। फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए ड्रॉ करेंगे सेकेंड आर्क। ठीक है, और इसी तरह से सेकेंड आर्क ड्रॉ कर दी, इसे ऐसे हम ऊपर भी, जैसे मैंने अभी पॉइंट ए पर बताया था, ऐसे हम यहाँ पर भी करेंगे पॉइंट बी पर भी। सेकेंड आर्क सेंटर लेते हुए इस आर्क को हम कर देंगे अब इंटरसेक्ट। इस तरह से हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये आ गया इसका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे अब हम पॉइंट बी से। ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करने से हमें मिलेगा पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर। इस तरह
ये हमने ड्रॉ कर दिए पॉइंट ए और पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर्स, और इनको अब हम दे देंगे नेम कि ये हमने जो पॉइंट ए पर ड्रॉ किया है ये कहलाएगा सी डी। ठीक है, तो ये हो गया दिस इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। इसी तरह से पॉइंट बी पर जो हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, इसको हम कह देंगे पॉइंट ई और ये हो गया एफ। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पर लिखी है, ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी ऑन ए बी एट पॉइंट ए विच कट्स द सर्कल, विच कट्स द सर्कल एट पॉइंट्स पी एंड एस। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ये ड्रॉ करा है परपेंडिकुलर, तो इससे ये यहाँ परपेंडिकुलर इसको कट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे पॉइंट पी और इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट एफ। इसी तरह से ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एफ ऑन ए बी, हमने ये ई एफ ड्रॉ करा पॉइंट बी पर, विच कट्स द सर्कल एट पॉइंट्स क्यू एंड टी, जो कि सर्कल को पॉइंट क्यू एंड टी पर इंटरसेक्ट करता है, कट करता है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से हमें यहाँ पर दोनों सर्कल्स पे हमें पॉइंट मिल गए हैं, एक पॉइंट पी मिला इस सर्कल पे और इस सर्कल पे पॉइंट क्यू मिल गया है। इसी तरह से नीचे भी हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, हमने यहाँ पर एक टेंजेंट नहीं, हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और दूसरा टेंजेंट हम नीचे ड्रॉ करेंगे, तो उसके भी हमें पॉइंट मिल गए हैं, एक एस और दूसरा कौन सा टी। लिहाजा हम क्या करेंगे, इनको हम कर देंगे ज्वाइन, क्योंकि टेंजेंट हम कहते ही ऐसी लाइन को हैं जो कि सर्कल के वन पॉइंट से टच होती हो, लिहाजा अब इनको हम ज्वाइन करते हैं। दोनों पॉइंट्स पी एंड क्यू, ये हमने ड्रॉ कर दिया टेंजेंट जो कि किस पॉइंट से गुजर रहा है, पॉइंट पी एंड क्यू से, लिहाजा इसको हम कह देंगे दिस इज पी क्यू, टेंजेंट पी क्यू। इसी तरह से ड्रॉ करेंगे यहाँ एस और टी से हमने ड्रॉ करना है अब टेंजेंट, ठीक, तो ये हो गए कॉमन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये दोनों टेंजेंट्स ऐसे टेंजेंट्स हैं जो कि लाइन सेगमेंट ए बी, जो कि क्या है, सर्कल के सेंटर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उससे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, उससे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बल्कि अगर देखा जाए तो वो क्या है, आउटसाइड है, सेंटर से बाहर की तरफ है, सेंटर से इधर है, सेंटर जो है वो क्या है, वो तो अंदर की तरफ है, जबकि ये टेंजेंट्स जो हैं वो सेंटर से बाहर हैं, लिहाजा इनको हम एक्सटर्नल टेंजेंट्स भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन की फिगर कंप्लीट कर ली है। तो अब यहाँ पर हमने इसी ने यहाँ लिखा फिफ्थ पॉइंट में कि ड्रॉ लाइन पी क्यू एंड लाइन एस टी। Now PQ and ST are the required direct common tangents to the given circles. तो इस तरह हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।